गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं गया और बोध गया दोनों जगह घूमने के लिए, और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मतलब निकल गए थे घर से 6 बजे ही, तो अभी बीच रास्ता में शूटिंग कर रहे हैं। तो हर जगह मतलब हर बार तो घर पर ही करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो आज सोचे रास्ता में ही कर लेते हैं। तो चलेगा चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोग को कि गया में क्या क्या घूमने लायक है, और रबर डैम भी जाएंगे गया में और बोध गया भी जाएंगे जो माँ बोधि टेम्पल है, जो जो चीज़ है वो सब ये आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं। मेरे साथ है मेरा भाई, इसको तो पहचानते होंगे, हर एक वीडियो में आ चुका है, और इसे जा रहे हैं हम लोग और आगे भी जो भी दिखाएंगे, और चलते हैं। तो गाइज हम लोग फाइनली गए पहुंच गए हैं, और ये हम लोग अभी रुके हुए हैं फाल्गु रिवर के जो पुल है, और ये बहुत बड़ा नदी है, आप लोगों को दिखाते हैं पीछे से, और इधर तो अभी खाली है। तो अभी तो भाई 7:15 हो गया है और गया पहुंच गए हैं, मतलब अभी 1 घंटा हुआ है पूरा, हम लोग वहाँ से चले हैं 1 घंटा में यहाँ पहुँच गए हैं। तो गाइज पीछे से दिखाते हैं आप लोग को। गाइज गया के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम लोग आए हैं फाल्गु रिवर डैम। फाइनली हम लोग गया पहुंच गए रिवर डैम पर, मगर हम लोग जो उम्मीद लेकर आए थे ऐसा कुछ उम्मीद मिला नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इधर पूरा ये सब सूखा हुआ है, और अभी तो गर्मी का टाइम है तो गंगा नदी का पानी भी नहीं आया, ना ही फाल्गु रिवर का पानी है इधर, और ये सब देखे सूखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत पानी पहले का बचा हुआ है, और ये कुछ ऐसा दिखता है रिवर डैम। और रात में नाइट का व्यू इसका अलग है, दिन में तो भाई नॉर्मल लगेगा, बाकी रात में अलग लगता है। और भाई सामने जा रहा है, और अच्छा खासा लंबा पुल है ये, और ये आप लोग देख सकते हैं उधर लिखा हुआ है माँ सीता सेतु, उधर जाकर भी आप लोग को दिखाएंगे, आए हैं उधर से ही। तो ऐसा कुछ दिखता है पुल इधर रिवर डैम, उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे बोध गया, तो यहाँ का भी कुछ वीडियो वीडियो लेंगे, वो सब आप लोग को दिखा देंगे, तो दिखाते हैं आप लोग को। भाई अगर बाहर आकर आप लोग को दिखाएं तो ये देखिए सामने लिखा हुआ गया जी डैम जल संसाधन विभाग विभाग माँ सीता सेतु, जो कि ये रिवर डैम ऐसा कुछ दिखता है बाहर से, और ये सामने एकदम लंबा गया हुआ है, और सामने उस तरफ मंदिर भी है। उधर ये रबर डैम के उस तरफ से इस तरफ अभी नीचे से ही आए हैं, और उस तरफ जस्ट रिवर के ही यहीं पर से ये यहाँ पर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर पूरा घाट बनाया हुआ है, तो मंदिर में भी अंदर जाते हैं दर्शन करेंगे, तो आप लोगों को दिखाते हैं अंदर में भी, और जस्ट ये नदी के जस्ट बगल में ही है इधर। गाइज ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, वहाँ से ले करके और ये पूरा ये जो लंबा है यहाँ तक, ये सब पूरा मंदिर परिसर ही है, और यहाँ पर सोमेश्वरनाथ का मंदिर भी है, और भी बहुत सारा मंदिर स्थित है, और सबकी निगरानी सीसीटीवी कैमरा द्वारा किया जाता है, जो कि अच्छा बात है। भाई हम लोग इधर घूम लिए हैं सब, इधर मंदिर उंदिर जा करके देख लिए हैं, और अंदर में जा वीडियो वीडियो नहीं बनाए कुछ, और पूजा वूजा नहीं किए, बस अंदर जा कर के देख लिए, और यहाँ से फिर निकलते हैं बोध गया के लिए। तो बोध गया में माँ बोधि मंदिर जो भी जो मतलब वहाँ जो भी हो हमको पता नहीं उतना क्या क्या नहीं है, पहला बार हम भी जाएंगे, तो जो भी है वहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं वहाँ भी आप लोग दिखाते हैं।
गया से निकलकर बोध गया आ गए हैं। बोध गया वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, और ये सामने इधर ये चाइनीज टेम्पल है, और इधर से ताइवान टेम्पल उधर है, और ये वियतनामी टेम्पल है अंदर में। अगर अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ होगा तो अंदर जा करके आप लोगों को दिखाएंगे, और नहीं तो फिर बाहर से ही दिखा देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले चाइनीज टेम्पल में अंदर घुसते ही सामने बुद्धा जी का स्टैचू है, और मंदिर में अंदर घुसने से पहले जूता चप्पल उतारना जरूरी है, जो कि नोटिस में बोर्ड में वहाँ पर लगा हुआ है। तो उतार कर अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। भाई अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर ये सामने बुद्ध भगवान का प्रतिमा है, और ये इतना कैंपस में है इधर, और यहाँ से अंदर तो जाना मना है, फिर भी बाहर से दिखा देते हैं आप लोग को। और ये अंदर में 3 बुद्ध प्रतिमा है, और सामने वो दोनों का है पता नहीं चाइनीज लोग का है। और ये वियतनामी टेम्पल है अंदर में, ये जस्ट बगल में ही वियतनामी टेम्पल है। गाय जी मंदिर के जस्ट बाहर में ही भाई साहब इस पर म्यूजिक बजा रहे थे, और दुर्भाग्य से मेरे मोबाइल में ऑडियो सपोर्ट नहीं कर पाया। ये चाइनीज मंदिर के जस्ट बगल में ये तैवेतियन मोनेस्ट्री का जो अंदर में है तैवेतियन का है, और ये भी मंदिर है अंदर में। तो अंदर चलते हैं और इसमें भी आप लोग को दिखाते हैं अंदर से, और ये सब बना हुआ बढ़िया है, आप लोग भी आकर विजिट कर सकते हो। ये देखें सामने, और गाइस टेंपल के अंदर आते ही छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर मिल गए। और ये रहा मंदिर ताइवेतियन का, वे टू टेंपल मंदिर जाने का रास्ता इधर से है, और स्तूप जाने का रास्ता इधर से। इधर स्तूप है जो कि शांति के लिए, मतलब मन लगाकर वो शांति किया जाता है क्या है। और इधर मंदिर का है सामने बुद्धिस्ट लोगों के लिए लॉज दिया गया है रुकने के लिए वो लोग के लिए, और इधर प्रतिमा है बुद्ध भगवान का। तो गाइस सबसे पहले अंदर चलते हैं जूते उतारकर तैवेतियन मंदिर के अंदर में। मंदिर के अंदर आते ही तैवेतियन परंपरा के अनुसार मंदिर को बनाया गया है, और हाँ ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि अंदर में साइलेंस रहा जाता है, ना कि बोला जाता है। तो गाइज अभी वहाँ अंदर में गए थे, मगर अंदर में शोरगुल करना मना है, तो बस वीडियो ले लिए हैं, उसमें वॉइस ओवर कर देंगे, आप लोग को देख लीजिएगा। और ऑलरेडी देख लिए होंगे, पहले वही पार्ट डालेंगे उसके बाद नहीं ये डालेंगे। और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग स्तूप के लिए, ये स्तूप में जा रहे हैं मंदिर के बाद से। तो अंदर चलते हैं, इसमें भी आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। यहाँ पर भी आते के साथ ही यहाँ पर नोटिस बोर्ड को देखकर परंपरा के अनुसार जूता चप्पल उतारकर स्तूप में प्रवेश करते हैं। अभी स्तूप का जो शॉट लिए हैं वो सिनेमैटिक शॉट, वो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी बैठे हुए हैं स्तूप के पास ही, और यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद सबसे पहले नाश्ता करेंगे। और ये साथ में इधर बैठा हुआ है, और तो अभी 2-4 आए थे घूम कर चले गए, मगर हम लोग अभी बैठे हुए हैं।